नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। बहुत सारे ऐसे मामलों में हम देखते हैं जहां पे एक पत्नी के साथ उसके पति और पति के घर वाले क्रूरता करते हैं, दहेज की मांग करते हैं, पत्नी को परेशान करते हैं और इसके लिए जो पत्नी होती है पति और पति के घर वालों के ऊपर FIR दर्ज करा देती है। या फिर कुछ मामले ऐसे भी हम देखते हैं जहां पे पति और पति के घर वाले पत्नी के साथ कुछ नहीं करते हैं, पत्नी सिर्फ पति और पति के घर वालों के ऊपर दबाव बनाने के लिए जाके FIR दर्ज करा देती है। यानी यहां पे कहने का मतलब यह है कि अगर एक पत्नी के साथ अपराध होता है तो भी या फिर अपराध नहीं होता है तो भी ऐसे भी मामलों में जो पत्नी होती है वो बड़े आसानी से पति और पति के घर वालों के ऊपर केस दर्ज कराती है। पत्नी सिर्फ जाती है थाने में, एक कंप्लेन करती है, वहां थोड़ा बहुत काउंसलिंग होता है और उसके बाद पति और पति के घर वालों के ऊपर FIR दर्ज हो जाता है, केस दर्ज हो जाता है। अगर पति और पति के घर वालों ने अपराध किया है तो भी FIR दर्ज होता है, नहीं किया है तो भी ऐसे मामलों में हो जाता है। लेकिन वहीं पे हम एक चीज उल्टा देखते हैं कि अगर मान लीजिए कोई पत्नी है, उसने अपने पति और पति के घर वालों के साथ कोई अपराध कर दिया है, यानी जो अपराधी है वो एक महिला है, और ऐसे में अगर पति जाता है पुलिस स्टेशन में उस महिला के विरुद्ध यानी अपनी पत्नी के विरुद्ध केस दर्ज कराने, FIR दर्ज कराने, तो उसका FIR नहीं दर्ज होता है, पुलिस FIR लिखने से मना कर देती है। तो ऐसे में पतियों के साथ ये चीज बड़ी नाइंसाफी हो जाती है, पत्नी बड़े आसानी से केस दर्ज करा देती है लेकिन पति अपना कोई केस नहीं दर्ज करा पाता है। तो ऐसे में आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसे सेक्शन यानी एक ऐसी धारा के बारे में बताने वाला हूं जिस धारा के माध्यम से, जिस धारा का एक पति उपयोग करके अगर उसकी पत्नी ने उसके विरुद्ध कोई अपराध किया है तो ऐसे में पति भी अपनी पत्नी के विरुद्ध केस दर्ज करा सकता है, FIR दर्ज करा सकता है, पत्नी को जेल तक भिजवा सकता है। तो ये जो जानकारी मैं आपको दूंगा उसे बारीकी से समझिएगा, ध्यान से चीजों को समझिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपका सपना है जुडिशरी एग्जाम को क्रैक करने का तो ऐसे में अन अकेडमी आपकी बहुत मदद कर सकता है, क्योंकि अन अकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप घर बैठे ही इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से अपने जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर सकती हैं और बहुत आसानी से जुडिशरी एग्जाम को क्रैक कर सकती हैं। अन अकेडमी पे गुजरात जुडिशरी सर्विसेज रैपिड लिंकिंग बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें आपके जो एजुकेटर होंगे तनसुख पालीवाल सर, अपूर्वा पुरोहित मैम, जगदीश चंद्रा सर, सूर्य प्रकाश सर और नारायण कुमार सर होंगे। ये जो बैच स्टार्ट होगा वो 18 फरवरी 2022 से स्टार्ट होगा, जिसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकती हैं। अन अकेडमी पे 9 फरवरी 2022 से एक और बैच स्टार्ट कर दिया गया है जो कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशरी बैच फरवरी 2022 है, जो अनिल खन्ना सर और उनकी टीम के द्वारा चलाया जा रहा है। तो ये जो भी बैचेज हैं वो आपके जुडिशरी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और उपयोगी सिद्ध होंगे। अन अकेडमी पे फ्री टेस्ट सीरीज भी चल रही है, जिसमें दो टाइप की टेस्ट सीरीज हैं, एक्सेलरेट 2.0 एंड चैलेंजर सीरीज। इन दोनों सीरीज का जो शेड्यूल है वो भी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकती हैं। इन टेस्ट सीरीज को फ्री में देके अपनी नॉलेज को और भी अन अकेडमी के साथ जुड़ के बढ़ा सकती हैं। तो अब देर किस बात की, जितना जल्दी हो सके आप भी अन अकेडमी पे सब्सक्रिप्शन ले लें। सब्सक्रिप्शन का चार्ज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। यदि सब्सक्रिप्शन लेते समय आप ASRI10 प्रोमो कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। देखिए, ऐसा हम नहीं कह सकते कि सिर्फ एक पति और पति के घर वाले ही पत्नी के साथ अपराध करती हैं। कुछ ऐसे भी मामले होते हैं जहां पे एक पत्नी के द्वारा पति और पति के घर वालों के विरुद्ध भी अपराध किया जाता है। ऐसे में जैसे मान लीजिए जो पत्नी है वो पति के घर से कोई सामान चुरा के अपने साथ लेके चली जाती है, पति ने कोई सामान पत्नी को दिया होता है रखने के लिए, पत्नी उसे हड़प कर जाती है और लेके मायके चली जाती है, या फिर जो पत्नी होती है पति को या फिर पति के घर वालों के साथ मारपीट करती है जिसमें उन दो लोगों को चोट पहुंचा देती है। तो ऐसे बहुत सारे अपराध होते हैं जो पत्नियों के द्वारा भी पति के साथ किए जाते हैं, पति के घर वालों के साथ किए जाती है। लेकिन ऐसे में जब पति केस दर्ज कराने जाता है, FIR दर्ज कराने जाता है तो पति का FIR नहीं दर्ज हो पाता है। तो ऐसे में आज मैं आपको एक ऐसे सेक्शन के बारे में बताऊंगा जिस सेक्शन की माध्यम से एक पति भी पत्नी के ऊपर केस दर्ज करा पाएगा। जिस सेक्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो सेक्शन खुद में एक अपराध के लिए नहीं लगता है, बल्कि अगर कोई अपराध हुआ है तो ऐसे में उस अपराध के लिए FIR दर्ज कराने के लिए उस सेक्शन का उपयोग किया जाता है, और वो सेक्शन है CRPC की धारा 156(3) यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जो धारा 156(3) है उसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं।
तो देखिए 156(3) सीआरपीसी जो होती है, इस धारा के मदद से अगर आप चाहे तो किसी के ऊपर भी आप एफआईआर दर्ज करा सकती हैं। अगर कोई बहुत बड़े पहुंच वाला आदमी है, कोई बहुत बड़ा नेता भी है, या फिर कोई भी इंसान हो जिसने आपके साथ कोई अपराध कर दिया है, तो ऐसे में सीआरपीसी की धारा 156(3) एक आपके पास ऐसा हथियार है, एक ऐसा कानून का प्रोविजन है जिसकी मदद से आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर केस दर्ज करा सकती हैं। तो ऐसे में मान लीजिए अगर आपकी भी पत्नी ने आपके विरुद्ध कोई अपराध कर दिया है, जैसे आपकी पत्नी ने चोरी किया है आपके घर से, आपकी पत्नी ने अमानत में खयानत किया है, आपकी पत्नी ने आपके घर वालों को या आपको चोट पहुंचाया है, या फिर कोई भी अपराध किया है, तो ऐसे में उस अपराध के लिए आपको सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष एक आवेदन करना होता है। यानी इस आवेदन को करने के लिए आपको पुलिस थाने में नहीं जाना है, बल्कि सीधा कोर्ट में जाना है। जब आप मजिस्ट्रेट के समक्ष इस आवेदन को करती हैं सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत, प्रार्थना पत्र मजिस्ट्रेट के समक्ष लगाती हैं, तो ऐसे में जो मजिस्ट्रेट साहब होती हैं सबसे पहले तो थाने से एक रिपोर्ट मंगाती हैं कि क्या इस मामले में जो आप बता रही हैं, जिसके लिए आप प्रार्थना पत्र दिए हैं, उसमें एफआईआर दर्ज है या नहीं दर्ज है। अगर उस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं होता है तो ऐसे में जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो कहते हैं कि अब आप अपनी बात बताइए, यानी आपको आर्गुमेंट करना होता है। जो आपके अधिवक्ता होती हैं वो कोर्ट के समक्ष जो भी बातें होती हैं वो रखती हैं, और उसके बाद यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कोई संज्ञेय मामला बन रहा होता है, तो ऐसे में जो मजिस्ट्रेट होती हैं वो पुलिस को आदेश कर देती है कि पुलिस जो है इस मामले में एफआईआर दर्ज करे, यानी केस दर्ज करे, और उसके बाद यदि गिरफ्तारी की भी आवश्यकता है तो गिरफ्तारी भी करे। तो ऐसे में अगर आपकी पत्नी ने कोई अपराध किया है तो आप इस प्रकार से अपनी पत्नी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा सकती हैं। बाकी यदि आपकी पत्नी ने कोई असंज्ञेय अपराध किया है और ऐसे में आपने 156(3) सीआरपीसी के तहत प्रार्थना पत्र दिया है, तो जो मजिस्ट्रेट है अगर उसमें एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, तो ऐसे में जो मजिस्ट्रेट होती हैं वो उस मामले को कंप्लेंट केस यानी परिवाद के रूप में अपने ही पास दर्ज कर लेती हैं। 202 सीआरपीसी का बयान करा के उसके बाद अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि इस मामले में एक्यूज की तलबी की जानी चाहिए, तो ऐसे में तलबी का आदेश कर देती है, जो धारे लगने चाहिए वो धारा लगा देती है, और उसके बाद जो एक्यूज होता है यानी जो अभियुक्त होते हैं उन्हें कोर्ट में आके जमानत करानी होती है। तो ऐसे में इस प्रकार से अगर आपकी भी पत्नी ने आपके विरुद्ध कोई अपराध किया है और पुलिस नहीं सुन रही है, केस दर्ज नहीं हो रहा है, तो सीआरपीसी की धारा 156(3) का उपयोग करके आप अपनी पत्नी के विरुद्ध भी केस दर्ज करा सकती हैं, उसे सजा करा सकती हैं, जेल भिजवा सकती हैं, क्योंकि कानून सबके लिए समान है। चाहे स्त्री ने अपराध किया है, चाहे पुरुष ने अपराध किया है, सजा सबको हो सकती है। ऐसा नहीं है कि स्त्री ने अपराध किया है तो ऐसे में उसे सजा नहीं होगी, ऐसा नहीं है। सबके लिए कानून समान होता है, सबको कानून एक ही नजर से देखता है। तो ऐसे में आशा कर रहा हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी, उसके जानकारी की मदद से अगर आपकी भी पत्नी ने आपके साथ कोई अपराध किया है, तो आप भी उसके साथ केस दर्ज करा पाएंगे, उसे सजा दिलवा पाएंगे, और साथ ही साथ पत्नी के ऊपर प्रेशर भी बना पाएंगे, क्योंकि जब केस दर्ज हो जाता है पत्नी के ऊपर भी, तो ऐसे में उसके ऊपर भी प्रेशर बनता है, इसकी वजह से समझौता होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो आशा कर रहा हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी वो जानकारी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फ़ोन पर बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।